चलें योग की सुंदर यात्रा पर। अपनी बुद्धि रूपी विमान में बैठकर सभी पहुंच जाएं मधुबन बाबा के घर, डायमंड हॉल में। बाबा के सम्मुख वो डायमंड हॉल जहां अनेक बार हम बाबा से मिले हैं, जहां ईश्वर का सुंदर अवतरण हुआ, बैठ जाएं बाबा के सम्मुख सामने। बाबा अपनी शक्तिशाली दृष्टि से मुझे निहाल कर रहे हैं। मेरा परम सौभाग्य मैं भगवान के इतने सम्मुख हूं। करोड़ों आत्माओं में से उन्होंने मुझे चुना है। उनकी दृष्टि मुझ पर है। देखें बाबा को, इन चर्म चक्षुओं से भी मैंने भगवान को देखा है। देख रहा हूं बाबा की दृष्टि मुझे निहाल कर रही है। अलौकिक आनंद से भर रही है। बाबा मुझे दृष्टि देते हुए याद दिला रहे हैं, बच्चे तुम साधारण कुमार नहीं, विशेष कुमार हो, सनत कुमार हो।
महावीर हो। बाबा के राइट हैंड हो। तुम विघ्न विनाशक हो। जो स्वयं विघ्न विनाशक है उसके जीवन में विघ्न हो नहीं सकता। देखो अपने विघ्न विनाशक स्वरूप को। बाबा दिखा रहे हैं मुझे बड़े से मैदान में विघ्न विनाशक की मूर्ति को, श्री गणेश की मूर्ति को। जहां भक्तों की भीड़ लगी हुई है बाबा कहते देखो अपने स्वरूप को, ये तुम हो। मैं भी अपने उस स्वरूप को स्पष्ट रूप से देख रहा हूं। ऐसे गणेश उत्सव में लोग बड़े मैदानों में, बड़े पंडालों में मेरी विशाल काय प्रतिमा स्थापित करते हैं। एक प्रतिमा दिखाते हुए बाबा कह रहे हैं देखो तुम्हारे अलंकार, एक हाथ में कुल्हाड़ी जिससे तुमने सर्व विकार रूपी बंधनों को काटा है, संपूर्ण विकार मुक्त हुए हो। दूसरे हाथ में रस्सी तुम ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलने वाले रहे हो, खुद को ईश्वरीय नियमों के बंधन में बांधने वाले रहे हो। इसलिए तुम्हें यह अलंकार दिया है। एक हाथ में मोदक है, तुम स्वयं बहुत मीठे रहे हो और सबको मिठास दिया है। एक हाथ वरदानी मुद्रा में उठा हुआ है क्योंकि तुम दाता वरदाता के बच्चे, सबको वरदान देने वाले हो।
देखो अपने स्वरूप को, ये तुम हो। कितने विशेष हो, कितने महान हो। तुम्हारा बड़ा सिर, तुम्हारी विशाल बुद्धि का परिचायक है। तुम बहुत बुद्धिमान हो। ईश्वरीय बुद्धि से संपन्न हो। तुम्हारे बड़े कान ईश्वरीय ज्ञान को गहराई से सुनने वाले, ध्यान से सुनने वाले। छोटी आंखें संसार को ना देखने वाले, सबके गुण दर्शन करने वाले। लंबा सुन, तुम्हारी शक्ति का द्योतक। तुम बहुत शक्तिशाली हो, शिव पुत्र हो। तुम्हारा विशाल पेट सब कुछ समा लेने का प्रतीक। देखो तुम्हारा कितना गायन और पूजन हो रहा है। जाओ अपने उस स्वरूप में स्थित हो जाओ। बाबा के कहते ही मैं जैसे अपने विघ्न विनाशक स्वरूप में स्थित हो गया। उस विशाल प्रतिमा के स्थान पर स्वयं को देखें। मैं शिव पुत्र गणेश, विघ्न विनाशक, भक्त मेरा गायन कर रहे हैं कि आप विघ्न हरता हो, हमारे विघ्न हरो। आप चिंतामणि हो, हमारी चिंता हरो। मुझसे लाइट और माइट निकल कर भक्तों को प्राप्त हो रही है, जिससे भक्त निर्विघ्न होते जा रहे हैं, चिंता मुक्त होते जा रहे हैं।
धीरे धीरे मेरा स्वरूप विशाल होता जा रहा है। आकाश को छूता हुआ विराट स्वरूप, जिसकी ओर अब सारी दुनिया देख रही है। मुझसे निकले हुए वाइब्रेशंस पूरे संसार में फैल रहे हैं। देखें अपने विराट स्वरूप को, इतना विराट, तो संसार के कोने कोने से लोग मेरे स्वरूप को देख रहे हैं। भक्त गायन और पूजन कर रहे हैं कि हे विद्यापति, हमें विद्या दो। हे सिद्धि विनायक, हमें सिद्धि प्रदान करो। हे विघ्नेश्वर, हमारे विघ्न हरो। मेरे वरद हस्त से, दृष्टि से, सबको लाइट और माइट मिल रही है। सुख शांति की तरंगे मिल रही है। जिससे सारा संसार विघ्नों से मुक्त होता जा रहा है। सभी सुखी, शांत और आनंदित होते जा रहे हैं। लोग आनंद में अब झूम रहे हैं, मेरी जय जयकार कर रहे हैं। कि हे विघ्नेश्वर, आपने हमें विघ्नों से मुक्त किया, आपका दिल से शुक्रिया। और मैं विघ्नहर्ता, अब सबका ध्यान ऊपर की ओर खिंचवा रहा हूं, अपनी उंगली ऊपर करके, कि मैं नहीं, हम सबके पिता शिव बाबा हमें विघ्नों से मुक्त करने वाले हैं। वही हमारे सच्चे पिता हैं। देखो उनके ओर, वो निराकार हैं, हमारे मात पिता हैं, हम सब के पालनहार और तारणहार हैं। मेरे ऊपर की ओर इशारा करते ही सारा विश्व प्यारे शिव बाबा की ओर देख रहा है। बाबा
बाबा की सुख शांति शक्ति की तरंगे आनंद की तरंगे जैसे पूरी सृष्टि पर पड़ रही है। सभी आत्माएं बाबा से जुड़कर आनंद मग्न हो रही है, दिल से गा रही है, मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा। चारों ओर खुशी के और प्रत्यक्षता के नगाड़े बज रहे हैं। यही है का गीत हर मन गा रहा है। सारी सृष्टि पर शांति खुशी और आनंद का वातावरण है। मैं भी इसे देख आनंदित हो रहा हूं। और दिल से प्यारे बाबा का शुक्रिया अदा कर रहा हूं। जिन्होंने मुझे इतना ऊंच और महान बनाया, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज दिया, विघ्न विनाशक बनाकर सबके दिलों में स्थान दिया। बाबा दिल से आपका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।
ओम शांति।